الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا ऐ मेरे परवरदिगार, गुज़रा हर लम्हा भुलाना चाहती हूँ मैं। इस ज़िंदगी को एक नई सिमत देकर अपनाना चाहती हूँ मैं। Hi, I'm Aditi. Hey Aditi. How are you? I'm fine, how are you? Well, I'm good, thank you. What's your nationality? Tell me something about you. I was born in India. Basically, I'm Hindu. I migrated from India to Pakistan at the age of 5 and I lost my parents at the age of 5 too. So basically, I came here with my uncle and aunt. And I used to live with my uncle and aunt, but I got separated from them due to some personal reasons. That's all. Interesting, Aditi. Okay, so let's move to the interview. कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी, कहिए आंटी। तुम जब से यहाँ से गई हो, दिल अजीब सा परेशान रहता है। आंटी, आप फिक्र नहीं करें, ठीक हूँ मैं। नहीं, तुम शायद यहाँ के हालात से वाकिफ नहीं हो। हालात? कैसे हालात? बरसों से सुनते आ रहे हैं यहाँ पे हिंदुस्तानी औरतों पे होने वाले जुल्म का। कैसा जुल्म? मेरी बात गौर से सुनो। अगर कोई पाकिस्तानी तुमसे कभी भी तुम्हारा धर्म बदलने को कहे या फिर उसके खिलाफ कुछ भी कहे, तो जरा कान न धरना।
आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं सही कह रही हूँ, तुम्हें अगर कोई शादी या मोहब्बत का झांसा भी दे तो हरगिज उसमें मत आना। आंटी कोई ऐसा क्यों करेगा? वो ये भी चाहेंगे कि तुम अपने भगवान और देवताओं से दूर हो जाओ और तुम्हारा उनसे विश्वास उठ जाए और तुम उनके मजहब को कबूल कर लो। वो शायद तुम्हें धमकियां भी दें और जबरदस्ती भी करें, मगर तुम ऐसा कभी मत करना। आंटी 20 साल से ज्यादा उम्र हो गई है मेरी, किसी की जोर जबरदस्ती से मैं अपने रीति रिवाज और धर्म छोड़ दूंगी? मेरा काम था तुम्हें समझाना, अब तुम जानो और तुम्हारे काम। अजीब बात है, कोई आकर मुझे अगर मेरा सब बदलने का कहेगा तो मैं क्या बदल दूंगी? पहले तो सारी जिंदगी अपने साथ जबरदस्ती रखा और अपने एहसानों तले दबाया अलग, अब जब मैं उन सब मुसीबतों से जान छुड़वा के आ गई हूँ तो आंटी मुझे मजीद डिप्रेशन दे रही हैं। ये तो हिंदुस्तानी जान से मार डालो उसे। हिंदुस्तानी लड़की है ये, या ये इस्लाम कबूल करेगी या ये मरेगी। सरजमीन पे हिंदुस्तानी औरतों की कोई जगह नहीं, इसे मरना होगा। हाँ हाँ आग लगा दो इस घर, चला दो और जान से मार डालो इसे। इसका घर भी जला दो, या ये इस्लाम कबूल करेगी या ये मरेगी। इसका घर भी जला दो। ये सब क्या था? क्या ये मुमकिन है? ऐसा कैसे हो सकता है? परसों से सुनते आ रहे हैं यहाँ पे हिंदुस्तानी औरतों पे होने वाले जुल्म का। कैसा जुल्म? मेरी बात और से सुन, अगर कोई पाकिस्तानी तुमसे कभी भी तुम्हारा धर्म बदलने को कहे या फिर उसके खिलाफ कुछ भी कहे तो जरा कान ना धरना। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? शायद आंटी ठीक कह रही थी, मुझे उनके पास वापस लौट जाना चाहिए इससे पहले कि मैं अपना कोई बड़ा नुकसान कर बैठूं। लगता है ये डिप्रेशन ही मुझे मार डालेगा। अकेली हो गई हूँ मैं बिल्कुल। क्या कहते हैं? हाँ अजान। कितनी खूबसूरत आवाज़ है ये, अजीब सा सुकून है इसमें, सुन के ऐसे लगता है जैसे किसी ने जख्मों पर मरहम रख दिया हो। नहीं नहीं ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती कभी भी। इस काम से तो आंटी ने मना किया था मुझे, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती।
And yes, more breaking news that's coming in at this point. Now, the Hyderabad police has booked an NRI slapping charges of rape and cheating against him. This is after a Hindu woman filed a police complaint saying that she was forced to convert to Islam by her boyfriend for marriage. इस वक्त की एक बड़ी खबर, पाकिस्तान में हाल ही में सिख लड़की पर जुल्म की कहानी सबने देखी। अब पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की को अगवा किए जाने की खबर है। रेनो कुमारी नाम की लड़की को पाकिस्तान के सिंध के सुक्कर में किडनैप किया गया था। रेनो का अपहरण उस वक्त किया गया जब 29 अगस्त को वो कॉलेज जा रही थी। रेनो बीबीए की स्टूडेंट है। मैरिज, बट ही लेटर रिफ्यूज्ड टू मैरी हर, सेइंग दैट शी वाज नॉट प्रैक्टिसिंग ऑल द रिचुअल्स प्रॉपरली। नाउ द वुमन सेज दैट शी वाज फोर्स्ड टू चेंज हर नेम लीगली फ्रॉम पिंकी चंदा टू फातिमा जहरा। अपना वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे, ना कि वो जिसका साथ आसान वक्त को भी मुश्किल कर दे। कैसी अपनायत है इन अल्फाजों में, यूँ लगता है जैसे कोई करीब होकर बात सुनना चाहता है मेरी। कुछ तो है इस अजान में, सुकून सा है, अपनी तरफ माइल करती है ये आवाज़ मुझे। इसका मतलब तो नहीं जानती मैं, लेकिन महसूस कर सकती हूँ जो भी होगा बहुत ही खूबसूरत होगा। कुछ तो है इस अजान में, सुकून सा है, अपनी तरफ माइल करती है ये आवाज़ मुझे। इसका मतलब तो नहीं जानती मैं, लेकिन महसूस कर सकती हूँ जो भी होगा बहुत ही खूबसूरत होगा। أشهد أن لا إله إلا الله. कब मैं उनके त्योहारों से उनके मजहब में दाखिल हो गई मैं नहीं जानती, लेकिन यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र रहा। आज भी मैं उस दिन को ईद की तरह मनाती हूँ। कोई भी कभी भी किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने मजहब से हटा नहीं सकता और ना ला सकता है। बात उस अकीदतमंदी और तवक्कुल की होती है जो हमें अंधेरों से निकाल कर उजालों में ले आती है। मैं अदिति नहीं, अब आयशा हूँ और मैं बहुत पुरसकून हूँ।